भक्तांबरा प्रणत मौलि मणि प्रभाणा उद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं वनं भवजले पततां जनानां ॐ राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अरं नमो अर्यन्ताणं नमो जिनाणां राम ह्रीं रूं रों रं अस्याउसा अप्रतिचक्रे पटविचक्राये ज्रम ज्रम नमः स्वाहा। बस तुम पता नहीं वाइब्रेशन काम करते हैं, व्हाट हैपेंस। तो ये जब मैंने पढ़ा तो इट वाज लाइक कि ब्रह्मचर्य की जो प्रैक्टिस में होना चाहिए दैट वाज कंप्लीट। फिर मैंने सोचा कि अगेन शायद आई एम डूइंग दिस श्लोका, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग कि नहीं आई हैव टू प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य। मैं भी लाइक उसके बाद आई थॉट कि नाउ आई विल मेक अ रियल लिटमस पेपर टेस्ट। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि आई हैड अ प्रॉपर्टी was not being sold for, I was trying since last 1 year to get it. So just a material thing, just for this thing, for experimentation sake. Then I started with this one. Sarva upadra vinashak yantra. Right? Bhaktamar pranamu. I started with this and I had taken this this thing, a pledge. Ki agar 7 din mein ye hota hai, then this truth is perfect for me. सात दिन में इफ द डील मटेरियलाइजेस एंड इफ आई गेट अ टोकन अमाउंट दिस लुक इज वर्थ इट वाज लाइक दैट। मेरे पूरा दिमाग में सेट था कि दिस दिस इज वर्थ। द वेरी फोर्थ डे अ गाय हु हैड सीन द प्रॉपर्टी, एक एक तो मैंने पहले देख के गया था प्रॉपर्टी, ही केम टू मी और ही गेव मी द प्रॉपर्टी। फिफ्थ डे एंड देन इट वाज आई मीन टोटली प्रूवन दिस इज वर्किंग। विबुदार्जित पादपीठ सुतं समोदत मतिर्विरगत्रपोहं बालं विहाय जलसंस्थित मिन्दुबिम्ब मन्या कयेच्छति जनः सहसा ग्रहीतु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धे पे बुद्धे पे सर्व सिद्धिदायके पे नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं मरं नमो परमो हि जीर्णानां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। Shloka is for cure of eye disease. Soham tatha pitava bhakti vashan munisha kartham savam vigata shaktirapi pravata prityatma viryam avicharya prago mrahendram naveti kim nija shisho paripalanartham। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्वसङ्कटनिवारणे पे सुपार्श्वयक्षे पे नमो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो अन्तोवीजिनाणां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। और मेरा बड़ा बेटा जो रोशन जैन है, रोशन राजेंद्र जैन, जिसकी एक आंख में बहुत प्रॉब्लम था, जिसके कारण वो एग्जाम देने के लिए भी तैयार नहीं था, बार बार उसके आंखों में से आंसू गिरता था, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ होने लगी थी, मुझे ऐसा लगा था बहुत टेंशन में थी मैं।
मैं मंजू भाभी के पास गई, उनने मुझे पांचवे नंबर का काव्य रोज 21 दिन तक बोलने के लिए कहा और उसकी जाप भी देने के लिए कहा। रिद्धि का मंत्र जाप अलग देने के लिए बोला और ऊपर वाले मंत्र का जाप अलग देने के लिए बोला। मैं सारे घर के काम निपटाती थी और नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन के रोज बराबर 21 दिन तक के उस काव्य का जाप करती थी। 21वां दिन हुआ नहीं कि मेरे बेटे ने इतने आराम से एग्जाम दे दी कि उसको कोई तकलीफ ही नहीं गई। जो जिसको दिखता नहीं था, आंखों में से आंसू गिरते थे पढ़ते समय, उसने इतने आराम से एग्जाम दिया। फिर उसके बाद दूसरे बाद उसके बाद कमर में उसके प्रॉब्लम आ गया, रीढ़ की हड्डी में। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, MRI कर दो। MRI करने के लिए बोला, वो बोला मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, बार बार हर चीज ऐसा क्यों हो रही, मेरा बेटा पाप कर्मों का उदय है, आ रहा है, निकल जाएगा। मैंने बोली ठीक है। भाभी से फिर फोन पे बात हुई। भाभी ने फिर कहा कि तुम एक काम करो 47वां काव्य पढ़ो। मैंने फिर 47वां काव्य रोज शुद्ध वस्त्र पहन के नहा धो के अच्छे से करना चालू किया। उसका 21 दिन तक के करना ही रह गया, वो 11 दिन ही हुए थे मुझे। डॉक्टर ने MRI करवाया, MRI में रिपोर्ट आ गई कि तुम्हारे को ऑपरेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, सादे सिंपल गोलियां चालू कर दो, दवाई पे जो दे रहा हूँ उसमें तुम्हारा सब चीज ठीक हो जाएगा एकदम। इस तरीके से उसका मतलब मुझे भक्तांबर पे इतना विश्वास हो गया बिल्कुल एकदम कि हर एक बाधा आ रहा संकट मेरे ऊपर, मेरे पाप कर्मों का उदय तो है आ रहा, लेकिन इतने जल्दी टल जा रहा है कि वो मुझे मतलब पूरे दिन भी नहीं हो पा रहे मेरे भक्तांबर के। इस तरीके से मुझे इतना ज्यादा, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबने ये मंत्र का उपचार बराबर करना चाहिए, सबकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। Shloka is for improving your IQ and memory skills. It is very good for education of children. Alpa shrutam shrutavatam parihasatam tadbhakti reva mukari kurute balanmam yat kokila kila madau maduram virauti tachamra charu kalikani कहेतु मंत्र। ओम रीम श्याम श्रीम श्रोम शा हम सम सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु स्वाहा। ओम रीम मरम नमो कुट्टबुधिरम झम झम नमः स्वाहा। Ashram.
he sent me the video of Manjuji, her interview where she is curing incurable disease with this 45th shloka. I saw this video in the night. I couldn't sleep, so I immediately went online. I went to the sites of Manjuji. I did all the surfing, all the testimonials and all, because I normally do not believe in what is written till I do. I'm not satisfied and convinced from within. After that, next day I contacted Manjuji and we fixed up the date for knowing the shloka and the training. When yesterday, when I was coming via flight, I was reciting the 6th shloka and the Riddhi Mantra in the flight. As soon as I landed, I just thought, let me go to my customer who is residing in Nagpur. They hadn't paid us since 2 years. So from the airport, we directly went to the office of the customer. As soon as our car reached, he reached just 5 seconds before us. He went inside his office. As soon as I went, I gave my card. That person immediately called me. I was trying to contact him since so many days. He was not picking up my calls, nor was he replying to my emails. As soon as I went inside his cabin to meet him, he did not make me wait at all. He said, "I am sorry, I was not able to make your payment. There were some problems, but you have come here. Please take your check." Immediately, I didn't have to say him anything further. He gave me my amount and payment, and he immediately gave me the current dated check. And he said, "Further, if we have any inquiries, we'll give you and will not delay such kind of payments in future." So, an amazing thing, which is just reciting the 6th shloka, even though that is not related to this. But if you have faith, how does that help you in everything? Before even I started to learn all the meanings and the shlokas of Bhaktambar, Bhaktambarji showed me it's important and it's miracle. This is my experience that I wanted to share. Ninth shloka is for giving birth to a son. Astam tavastavanamasta samasta dosham tatsankathapi jagatam duritani hanti dure sahasra kirana kurutai prabhaiva padma kareshu jalajani vikasarvanchi. ॐ ह्रीं श्रीं क्रों ज्वीं रहं ह नमः स्वाहा. ॐ नमो भगवते जयक्षाय ह्रीं रूं नमः स्वाहा. रिद्धि ॐ ह्रीं हरं नमो अरिहन्ताणं नमो संवीर्ण सोदारणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा. राम ह्रीं रूं र फट स्वाहा. ओम वृद्धे पे नमः. मेरे दो बेबी हुए थे 25 जुलाई 2016. एक बेबी जिसका नाम अभी हमने जो लगभग 3 मंथ का हो गया आज की डेट में, उसका नाम शाश्वत नायक रखा है, और दूसरा बेबी का नाम सिद्धम नायक रखा है. जो पहला बेबी हुआ था वो 900 ग्राम का हुआ था, और दूसरा जो बेबी था सिद्धम वो 1100 ग्राम का हुआ था. हमारे को डॉक्टर ने बोला कि आपको 2 मंथ नागपुर में रुकना पड़ेगा. हमारे बेबी चाइल्ड हॉस्पिटल में भर्ती थे. उसके बाद हम पूनम चैम्बर के सामने एक साई लीला अपार्टमेंट है वहाँ रुके. चूँकि हम जैन थे तो हमें भगवान के दर्शन जरूरी होते थे. हमारे मम्मी बगैर भगवान के दर्शन की कुछ खाती पीती नहीं है. तो पास में ही एक चैत्यालय था, वो चैत्यालय मंजू दीदी का था. उन्होंने भक्तांबर में PhD किया है और भक्तांबर के बहुत मंत्र सिद्ध किए हैं. उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुंदर चैत्यालय बनाया है, और ऊपर सभी 48 काव्यों के यंत्र
जड़ित किए हुए हैं। हम लोग बहुत परेशान थे, दीदी ने हमारी उस समय बहुत हेल्प करी और बीच में एक दिन जाके दीदी ने, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है कि शुरुआत में वो ग्रोथ नहीं कर रहे थे, हम लोग बहुत डर रहे थे, कभी वेंटिलेटर से कभी एक्यूलेटर में आ रहे थे, कभी एक्यूलेटर से वेंटिलेटर पे जा रहे थे। फिर एक दिन दीदी गई और उन्होंने भक्तांबर स्तोत्र सुनाया। पहले तो हम लोगों को खुद अंदर जाने नहीं दिया जाता था, हमें नहीं पता था कि दीदी को जाने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, पर जब दीदी को अंदर वहाँ गए अस्पताल में तो दीदी को अंदर जाने दिया गया। दीदी ने भक्तांबर स्तोत्र सुनाया, उनको मंत्र सुनाया और बहुत सारी चीज़ें सुनाए। उसके बाद से मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत सत्य बात बोल रहा हूँ, उसके बाद से ऐसा कोई दिन नहीं आया कि हमारे बच्चों की तबीयत खराब हुई हो या किसी प्रकार की परेशानी गई हो। उसके बाद से उन्होंने सिर्फ ग्रोथ की है और फिर समय समय के हिसाब से दीदी ने हमारी बहुत हेल्प करी और बहुत ज़्यादा हेल्प करी, अब तो ये हमारा घर हो गया है। Twelfth shloka is very important for relationship, whether finding a groom for your daughter or for very good relationship between husband and wife. Ye shanta raga ruchi bhi paramanu bhisvam nirmapita sribhuvane kalalam bhuta तावन्तैव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। ॐ मां मां हं अह सर्वराजा प्रजामोहिनी सर्वजनवश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर्यक्षाधिष्ठाय राम रीम नमः। ॐ रीम श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय झ्रों क्रों रम रीम नमः। ॐ रीम अरम नमो बोहि बुदीडम झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। श्लोका इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, नौकरी मिलने के लिए बहुत अच्छा है और अर्निंग्स बढ़ाने के लिए। कि सर्वरीषु शशिनाहि विवस्तता युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतम सुनाथा निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यम जलधरय जलभारणम। ॐ राम रीं रूं ह्रयशरीं वषट् नमः स्वाहा। रिद्धि ॐ रीं अरं नमो विचहराणां झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। आपको मंजू जी का कैसे मालूम पड़ा? सी बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू माय introduction. Yeah. My name is Gaurav Manik. I've been into the banking industry since last, banking and finance industry since last 6 years. तो मेरे कलीग कम फ्रेंड है जो इनके फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इनसे, तो मैं इनसे आके मिला। एंड सिंस लास्ट वन ईयर आई वॉज इन टू मतलब वेरी मच फाइनेंशियल ट्रबल, लेकिन से मतलब ठीक नहीं चल रहा था सब, जो जैसा होना चाहिए वैसा टर्न आउट नहीं हो रहा था। देर वॉज लॉट ऑफ मतलब हर काम उल्टा हो रहा था, जहाँ भी मैं हाथ डाल रहा था वो उल्टा ही होते जा रहा था। तो मैं मंजू मैम से मिला, फिर मंजू मैम
ने मुझे 19 श्लोक चैंट करने के लिए कहा और 21 डेज, तो मैंने वो शुरू किया करना। मैं सुबह 5 बजे उठ के करता हूँ एवरी डे मॉर्निंग। आई मतलब फर्स्ट आई टू को बात एंड एवरीथिंग देन आई डू इट। इट टेक्स अराउंड 45 to 50, 60 minutes, 55 minutes. You do it 108 times? I do it 108 times. Stroke. So it has been now more than 21 days अभी तो it is 28, 30 days around कि मैं ये continuously कर रहा हूँ प्रति। पहले जो चीजें नहीं हो रही थी वो अब होने लग गई है और जो चीज़ें नेगेटिव थी वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में टर्न हो गई है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कैसे हुई वो इट इज़ मतलब अगर मेरी जगह कोई रह के सोचे तो ही उन्हें समझ में आएगा कि ये कैसे हो गया, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच आई कैन नॉट एक्सप्रेस एंड से टू अ स्टोरी, बट इट हैज़ बीन चेंज्ड एंड इट गिव्स मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इट गिव्स मी लॉट ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी टू डू इट। आपने किया था जिससे आपको फर्क पड़ा, आप 9 पॉइंट्स को चैंट करके दिखा सकते हैं? हाँ मतलब 19 श्लोक है। ओके, आई हैव चैंटेड इट फॉर मोर देन 21 डेज। श्लोक फर्टिलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम देवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् देवम तु काच शकले किरणाकुले। मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रूम श शत्रु भय निवारणाय ठठ नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यम गुरुकुरु स्वाहा रीम नमः। रिद्धि ओम रीम अरम नमो चारणाणम जम जम नमः स्वाहा। तक पढ़ा है मेडिकल साइंस के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, जनरली 36-37 साल के बाद किसी स्त्री का प्रेग्नेंट होना, बच्चा होना बहुत बहुत मुश्किल है। और जब मैंने सुना कि श्रीमती संगीता जैन है, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है और वो भी 48 साल, उनकी उम्र 48 साल हो चुकी है, 48 साल के बाद किसी को पुत्र की प्राप्ति होना या बच्चा होना, मतलब साइंस का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ऐसा नहीं कि ऐसे चमत्कार नहीं होते पर बहुत रेयर, 45 के बाद तो किसी का बच्चा होना बहुत ही रेयर है, बहुत कम सुनने में आता है। और जब आज सुना है कि 48 साल के बाद बच्चा हुआ है तो मुझे तो भक्तांबर स्रोत का जो चमत्कार है, मतलब मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। और उसके उस चमत्कार के पीछे या उस प्रेरणा स्रोत है जो श्रीमती मंजू जैन है, उन्होंने जो प्रेरणा दी है, मैं आज उनको जितना धन्यवाद दूँ, जितना उनका आभार व्यक्त करूँ, और उनसे बस यही कामना रहेगी कि वो लोगों की इसी तरह सेवा करती रहे। नंबर श्लोका इज फॉर क्योर ऑफ किन डिजीजेस। क्षत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांता सितम सगत भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विभात शोभम प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर। मंत्र ॐ मुगसहरं पासं पासं वन्दामि
एकं मगड़मुक्कं विसहर विसर्णीनासिनं मंगल कल्लाडं मावासं ओम रीम नमः स्वाहा रिद्धि ओम रीम अरम नमो गोर्गुण परकामानं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। Is for curing incurable disease. Udbhut bhishana jalodhara bhar bhogna sochyam dasham pagatashyat jivitasha tvarpad pankaj rajo mrit dek deha martya bhavanti makara मंत्र ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम रीम भगवते जय भय विभीषणाय हराय नमः। ओम रीम अरम नमो अखीर महाणसाणम जम जम नमः स्वाहा। ठीक है, जोर से बोलना एकदम, एक मिनट। कैंसर था आपको? गले का, गले का। आप बिल्कुल ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक। आपकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ गई? एकदम नॉर्मल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थैंक यू। Is for Lakshmi and Moksha Lakshmi. Stotra srajam tava jinendra guner nibadham bhaktya maya ruchira varna vichitra pushpam datte jano yaya kanta gata majastram tammane tungam avasam samupai मंत्र ओम राम रीम रूम रोम रास्याव साश्रम जम स्वाहा। ओम नमो बंबचारिणी अष्टादश सहस्त्र शीलांग रत धारिणी नमः स्वाहा रिद्धि ओम रीम अरम नमो सव साहुडम ओम नमो भयवदो महती महावीर वट्टमाणानां बुद्धि ऋषिणम जम जम नमः।